नमस्कार दोस्तों अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका स्वागत है हम आज कार्डा सिस्टम के एमसीक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं ये हमें डीएमआर डीएचएस सीएचओ नॉर्सेट एम्स या इन अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं इसमें नेट और एलेवन ट्वेल्व का नेट सी का भी सिलेबस इंक्लूड किया है ताकि एलेवेन्थ ट्व के स्टूडेंट को भी नेट सी के लिए हेल्पफुल रहे तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्डोवेस्कुलर सिस्टम के एम सी क्यू पार्ट वन में सो फर्स्ट एम सी क्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कॉल्ड स्केवेंजर सेल्स सो हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जिसको हम स्केवेंजर सेल बोलते हैं या किलर सेल बोलते हैं सो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट मोनोसाइट सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी इरेथ्रोसाइट्स ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स एंड ऑप्शन डी लिफोसाइट्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोनोसाइट ठीक है सो so, मोनोसाइट को हम स्कैवेंजर सेल्स बोलते हैं जो थ्रम्बोसाइट्स है वो प्लेटलेट्स है ब्लड क्लोटिंग का, का काम करते हैं रिथ्रोसाइट जो आर है रेड ब्लड सेल हम उसको बोलते हैं देन लिम्फोसाइट जो रहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है टी लिम्पोसाइट्स एंड बी बिलिम्फोसाइट्स सो स्कैवेंजर सेल्स मोनोसाइट्स रहते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल प्रजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज सो लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल इसके बीच में कौन सा वॉल प्रजेंट रहता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल में सो ऑप्शन ए है ट्राइक स्पीड ऑप्शन बी यू स्टेशन वॉल ऑप्शन सी बाइक स्पीड वॉल एंड ऑप्शन डी सेमर वॉल्स सो जो ट्राइक स्पीड वॉल रहते हैं वो राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में रहते हैं तो इसका आंसर है बाइक स्पीड वॉल और माइट्रल वॉल सो लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइक स्पीड वॉल रहते हैं इसको दो फ्लैप्स रहते हैं दो ब्लड uh, पास करने के लिए दो फ्लैप दो स्पेस रहते हैं प्लस उसको हम बाइक स्पीड वॉल बोलते हैं उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाइक स्पीड वॉल जो स्विमिन वॉल वगैरह रहते हैं ये वॉल पलमरी ट्रंक एंड आवरटा के बीच में रहते हैं देन यू स्टेशन वॉल जो रहता है आई के ऊपर रहते हैं इन्फीरियर बिना क्यावा के और जो ट्राइकस्पिड स्पीड सॉल्व है वो राइट एट्री वेंट्रिकुलर में रहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है बाइकस्पिड स्पीड वॉल सो so नेक्स्ट है ए वी नोड इज प्रजेंट इन सो ए वी नोड कहाँ प्रजेंट रहता है तो ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑप्शन सी राइट एट्रियम एंड ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकल तो उसका करेक्ट आंसर है राइट right एट्रियम में सो राइट एट्रियम में ए एवी नोड प्रेजेंट रहता है नेक्स्ट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ सो ईसीजी रहता है ईसीजी में पी वेव टी वेव एसटी सेगमेंट एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहते हैं तो इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करता है तो ऑप्शन ए एट्रियल रिलैक्सेशन ऑप्शन बी वेंट्रिकल क्शन ऑप्शन सी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो रहता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद दिखता है सो so, नेक्स्ट है ब्लड इन पल्मनरी वेन कंटेंस मोर अमाउंट ऑफ जो पल्मनरी वेन से ब्लड आता है हार्ट में सो इसमें किसका अमाउंट ज़्यादा रहता है ऑप्शन है ऑक्सीजन ऑप्शन बी ह्यूमिडिफाइड एयर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पल्बनरी वेंस बॉडी में एकमात्र ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजेंटेड ब्लड कैरी करती है इसको हम पल्मनरी वेन कहते हैं सो नेक्स्ट है पल्स मेकर इन हर्ट इज सो हर्ट में पल्स मेकर कौन है ऑप्शन ए एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ऑप्शन बी एस ए नोड साइनो नोरिकुलर नोड ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी बाइक वॉल इसमें से पल्स मेकर कौन है सो करेक्ट आंसर है यस ए नोड यस ए नोड इसका करेक्ट आंसर है यस ए नोड क्या करता है हार्ट का जो पल्सेशन है पल्स मेक करने का काम करता है सो so नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेसल कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी वेसल कैरी करते हैं डिऑक्सीडेटेड ब्लड तो ऑप्शन ए एवर्टा ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन सॉरी पल्मोनरी आर्टरी ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन सॉरी इसमें करेक्शन है थोड़ा ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन डी जो है वो हिपेटिक आर्टरी है तो इसमें कौन सी वेसल डी ब्लड कैरी करती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि डी ब्लड कैरी करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स के लिए जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है बाकी इपेटिक आर्टरी लीवर के लिए ब्लड सप्लाई लेके जाती है देन एवोटा सिस्टमिक एरोटा है जो कि बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई करता है देन पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाती है तो पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सो so नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन बॉडी सो बॉडी में स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन से रहते हैं किसको हम स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कहते हैं तो ऑप्शन ए कैपिलरीज ऑप्शन बी सुपेरियर विनाकेवा ऑप्शन सी एवोरोटा ऑप्शन डी सिफेलिक वेन सो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौनती है इसमें ऑप्शन है कैपिलरीज जो कैपिलरीज रहते एकदम मायरोट मायरूट स्मॉल साइज़ के रहते हैं उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं जो सुपेरियर इना इनाकेवा है सुपेरियर विनाकेवा भी बड़ी रहती है सिफेलिक वेन बड़ी एवोटा भी सबसे बड़ा रहता है सो कैपिलरी वेन क्या है छोटी वेन है सो टाइम पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है ऑप्शन ए जीरो पॉइंट टू सेकंड ऑप्शन बी सिक्सटी सेकेंड यानी वन मिनट ऑप्शन सी जीरो पॉइंट एट सेकंड एंड ऑप्शन डी जीरो पॉइंट फोर सेकंड एक कार्डियक कंप्लीट कार्डियक साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है सो so, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल इसमें राइट right एट्रियम से ब्लड राइट right वेंट्रिकल में आता है राइट right वेंट्रिकल से ब्लड लंग की तरफ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और लंग में से ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बॉडी के लिए तो ये जो साइकिल है कंप्लीट साइकिल और बॉडी से ब्लड वापस राइट एट्रियम में ये पूरा साइकिल के लिए जीरो पॉइंट एट सेकंड का साइकिल रहता है सो so, इसका ऑप्शन आंसर है जीरो पॉइंट एट सेकंड ऑप्शन सी सो नेक्स्ट है इफ पेशेंट हैज़ ब्लड प्रेशर वन थर्टी फोर बाय सेवेंटी एट मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी फीयर वन थर्टी फोर इंडिकेट्स सो वन थर्टी फोर फोर क्या इंडिकेट करती है ये नंबर क्या है सो ऑप्शन एक है डायस्टोलिक प्रेशर ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर ऑप्शन सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये वन थर्टी फोर बाय सेवनटी एट जो रहता है उसमें जो अपर का ऊपर का दिया हुआ नंबर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है और जो नीचे का नंबर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है जो सेवेंटी एट है वो डायस्टोलिक है वन थर्टी फोर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल अमंग ह्यूमन ब्लड सेल इज सो ह्यूमन ब्लड सेल में लार्जेस्ट सेल कौन सी है सो ऑप्शन ए लिम्फोसाइड्स ऑप्शन बी मोनोसाइड्स ऑप्शन सी इरेक्ट्रोसाइट ऑप्शन डी थ्रम्बोसाइड्स सो लिम्फोसाइड्स मोनोसाइड्स इरेक्साइट आर मीन आरबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट मीन प्लेटलेट्स सो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है तो मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी ब्लड सेल है जो कि साइज को बड़ी रहती है सर्कुलर शेप रहती है सो so, नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ हाईएस्ट हीमोग्लोबिन परसेंटेज सीन ह्यूमन लाइफ में लाइफ स्टेज में हाइस्ट परसेंटेज फर्स्ट ऑप्शन है न्यूबर्न ऑप्शन बी अडल्ट एज में देन ऑप्शन सी ओल्ड एज स्टेज में एंड ऑप्शन डी पीबर्टी में सो so, इसमें से कौन से स्टेज में हाइस्ट परसेंटेज ऑफ हिमोग्लोबिन रहता है तो ऑप्शन इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूबर्न सो न्यूबर्न में ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा रहते है, जब जैसे उसका एज बढ़ता जा, जाता है वन वीक टू वीक होता है इन्फेंट के बाद एडोलेसेंट वगैरह एज में जाता है तो धीरे धीरे उसका जो रुत्र होता है वहाँ पर ब्रेकडाउनस होता है आरबीसी का उसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है सो so, न्यूबर्न में उसका लेवल ज़्यादा रहता है ये फोर फोरटीन पॉइंट फोर टू ट्वेंटी थ्री ग्राम पर डे लीटर और जो एवरेज रहता है वो सिक्सटीन टू सेवनटीन के बीच में रहता है तो so, ये न्यूबर्न में सबसे ज़्यादा रहता है नेक्स्ट है अ थ्री ईयर चाइल्ड थ्री ईयर चाइल्ड एडमिटेड इन पीडिट्रिक वार्ड विद द ब्लड क्लोटिंग टाइम रिलेटेड कम्प्लेंट्स सो जो पेशेंट है उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है सो टाइम रिलेटेड कम्प्लेंट्स व्हाट डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट सो अगर एक तीन साल का बच्चा हॉस्पिटल में पिडाट्रिक वार्ड में एडमिट है उसका ब्लड अगर थोड़ा इंजुरी होता है तो जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होता है सो so, क्लॉटिंग का डिसडर्स है तो इसमें डॉक्टर पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे तो ऑप्शन ए है हिपेरिन ऑप्शन बी विटामिन के ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन सी सो इसमें से कौन सा आंसर सही है सो ऑप्शन बी है विटामिन के सो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब विटामिन के बिकॉज जो हिपेरिन रहता है एंटीकॉगोलेंट है So, 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 सो ऑप्शन है विटामिन के सो ल्यूकेमिया नेक्स्ट है ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ सो ल्यूकेमिया किसका कैंसर है ऑप्शन ए टिश्यू का ऑप्शन बी ब्लड डब्ल्यू सेल्स का ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑप्शन डी बोन का कैंसर सो so, इसमें ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर है इसका आंसर है आंसर बी ब्लड डब्ल्यू सेल्स ब्लड डब्ल्यू सेल का कैंसर को हम ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड सेल ठीक है ये टिश्यू का भी नहीं रहता है सार्कोमा रहता है देन ब्रिस्ट का है एंड बोन का जो रहता है ऑस्टिओ सार्कोमा ठीक है सो ऑप्शन बी है ब्लड डब्ल्यू बी सी सेल्स ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सो लास्ट है ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय डिवाइस सो कौन सा डिवाइस से ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नीट सी में पूछा जाता है बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा सो ऑप्शन ए है स्पिगम मैनोमीटर ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर ऑप्शन सी बैरोमीटर एंड ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप सो इसमें ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है स्पिगमो मैनोमीटर जिससे हम ब्लड प्रेशर मेंटेन मेजर करते हैं हम पल्स ऑक्सीमीटर से एस पी टू लेवल चेक कर सकते हैं और पेशेंट का जो पल्स रेट है वो चेक कर सकते हैं देन बैरोमीटर से कौन सा भी प्रेशर हम बैरोमीटर से चेक करते हैं ब्लड का नहीं देन स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप से हम हार्ट बीट वगैरह देख सकते हैं जो बाउल एक्टिविटीज़ है इंटरनल साउंड्स वगैरह है वो हम स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं so, सो ये रहा है आज के कार्डियोस्कुलर सिस्टम पार्ट वन के आंसर एंड क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट टू हम ई सी जी एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड जो कि कार्डक्स सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट टू वीडियो बनाएंगे सो so, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो